बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, अगेन सिंपल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अ फर्म इम्प्लॉयज सिक्स डेटा ऑपरेटर्स ऑफ होम थ्री आर वुमेन। एक फर्म ने छः ऑपरेटर्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं, जिनमें से तीन जो हैं तीन वुमेन हैं, तो टोटल है, टोटल एम्प्लॉयज जो हैं वो है सिक्स। जिनमें से वुमेन हैं, वुमेन थ्री और बाकी जो है वो मैन, वो आएगा सिक्स माइनस थ्री विच इज इक्वल टू थ्री। फोर ऑफ दीज आर चूजन एट रैंडम। इनमें से, इन सिक्स में से चार लोग जो है वो मुंतहिब हुए, फोर पर्संस आर चूजन। एन एस टोटल सिक्स है, उनमें से चार लोग मुंतहिब हुए, तो एन एस आएगा सिक्स सी फोर। एन एस के लिए हम कम्बिनेशन एन सी आर को यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा सिक्स सी फोर, सिक्स सी फोर विच इज़ इक्वल टू फिफ्टीन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हैं फिफ्टीन, एन एस इज़ फिफ्टीन। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसमें जो फर्स्ट इवेंट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑफ दीज चूजन मेंबर्स द नंबर ऑफ वुमेन विल बी एग्जैक्टली टू। फर्स्ट पार्ट में हमने जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ए लेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली टू वुमेन, चार लोग मुंतहिब हैं, उनमें से दो औरतें हों, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये इनकम्प्लीट इवेंट है, क्योंकि जितने लोग सेलेक्ट होते हैं इवेंट में भी उतने ही मेंबर्स होने चाहिए। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। टू वुमेन, एग्जैक्टली टू वुमेन, चार में से दो जो हैं वो वुमेन है, इट मींस के जो बाकी दो हैं वो मैन हैं। तो ये आएगा टू वुमेन एंड टू मैन। अब ये इवेंट कंप्लीट हो गया। अब हम एन ए फाइंड करेंगे। वुमेन, वुमेन टोटल हैं जी थ्री और इवेंट में है टू, तो टू वुमेन का एन ए आ जाएगा थ्री सी टू। एंड के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। मैन, मैन भी टोटल थ्री है और इवेंट में टू, तो ये भी आ जाएगा थ्री सी टू, थ्री सी टू, ये आ गया थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री सी टू, थ्री, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन। सिंपल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। एन ए इज नाइन, एन एस इज फिफ्टीन, दोनों थ्री के टेबल में आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा थ्री पे डिवाइड हो रहे हैं, ये थ्री ओवर फाइव इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ वुमेन विल बी टू आर मोर, टू आर मोर। इसको हम बी लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वुमेन टू आर मोर, दो या दो से ज्यादा, टू आर मोर। अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी है टू वुमेन, दो वुमेन हो सकती हैं या थ्री वुमेन, दो हो सकती हैं या तीन हो सकती हैं, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों, तीन से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल वुमेन आई थ्री। तो टू और मोर की जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि दो वुमेन है, सेकंड पॉसिबिलिटी है या थ्री वुमेन है,
अब थ्री से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वुमेन है ही तीन, इसलिए अगर हम लिखे फोर वुमेन तो वो तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि टोटल में तीन औरतें हैं, तो या तो दो, टू और मोर का मतलब है या तो दो सेलेक्ट हो सकती हैं या तीन, दो या दो से ज़्यादा, तो दो या तीन, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि टोटल वुमेन जो है वो थ्री है। अब इसको पहले हम दोनों को कंप्लीट करेंगे, टू वुमेन जैसे हमने ये ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट में किया टू वुमेन, क्योंकि हमने फोर जो है वो इधर कंप्लीट करना है। टू वुमेन मीन्स के टू वुमेन एंड टू मैन, और थ्री वुमेन इसको भी कंप्लीट करते हैं तो ये आ जाएगा थ्री वुमेन एंड वन मैन, क्योंकि फोर पर्सन आर चूजन इसलिए इधर हमने फोर कंप्लीट करने हैं, तो ये भी फोर हो गए और ये भी हो गए फोर। अब हम एन बी फाइंड करेंगे, एन बी वुमेन टोटल वुमेन है थ्री और इधर है टू, तो ये आ जाएगा थ्री सी टू, एंड के लिए मल्टीप्लाई का साइन, मैन भी थ्री है और इवेंट में टू है तो ये आ जाएगा थ्री सी टू, और आर के लिए प्लस का साइन यूज़ होता है। अब ये जो फर्स्ट इस ब्रैकेट में है थ्री वुमेन, तो इसका आ जाएगा थ्री सी थ्री, क्योंकि टोटल भी तीन है और इवेंट में भी तीन है, एंड के लिए मल्टीप्लाई वन मैन थ्री सी वन, थ्री सी टू थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस थ्री सी वन, थ्री सी थ्री वन मल्टीप्लाई बाय थ्री सी वन, तो ये आ गया थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, एन बी इज़ ट्वेल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस, ट्वेल्व ओवर फिफ्टीन, ट्वेल्व और फिफ्टीन दोनों थ्री पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा फोर ओवर फाइव, क्योंकि ट्वेल्व को थ्री पे डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा और 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर हैज 20 सेल पॉइंट्स, तो टोटल सेल पॉइंट्स जो हैं वो है 20, ऑफ देम 12 आर इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में 12 सेल पॉइंट है, इसका मतलब रूरल एरिया में कितने होंगे 20 माइनस 12 8। द मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट्स अ सेल पॉइंट एट रैंडम, एक सेल पॉइंट सेलेक्ट हुआ, अ सेल पॉइंट इज सेलेक्टेड, तो पहले हम एन एस फाइंड करेंगे, टोटल 20 है और उनमें से एक सेलेक्ट हो रहा है तो एन एस आ जाएगा 20 सी वन विच इज इक्वल टू 20। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द सेलेक्टेड पॉइंट इज ऑफ रूरल एरिया, जो पॉइंट सेलेक्ट हुआ है, जो सेल पॉइंट सेलेक्ट हुआ है उसके रूरल एरिया वाले सेल पॉइंट के सेलेक्ट होने के चांसेस, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसको हम ए लेट कर लेंगे, सेलेक्टेड पॉइंट इज ऑफ रूरल एरिया एन ए, रूरल एरिया के जो सेल पॉइंट है वह टोटल 8 है और इवेंट में है 1, क्योंकि एक सेल पॉइंट सेलेक्ट हुआ है तो एन ए आ जाएगा 8C1 विच इज इक्वल टू 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस 8/20, ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2/5 जो है वो इसका आंसर आ गया।